jehin student welcome to biology class so students today i will introduce a new chapter that is why do we fall ill now in some reference books you will uh, find this chapter under the heading health and diseases so uh, don't get confused by this name because both are the same thing and you are going to get the same content in both the chapters, okay. So in NCRT, you will find uh, you will find this chapter under the name Why Do We Fall Ill? Now, as the name suggests, ki why we fall ill, that means ki something is related to our health. So, in this chapter, we are going to study about our health, about the diseases, how they are prevented, what measures you should take. So, we will be going to cover up each and everything related to the health. कैसे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ द फर्स्ट थिंग अराइजेज व्हाट इज हेल्थ हेल्थ से आप क्या समझते हो ओके नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट अगर हम बहुत साल पहले की बात करें सेंचुरीज अगो अगर हम बात करें तो पहले जो लोग थे यूजुअली वो हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं थे ओके व्हाट दे थिंक कि अगर दे आर एबल टू डू देयर हाउस होल्ड वर्क और इफ़ दे आर इन एनी जॉब सपोज कोई भी वो जॉब कर रहे हैं अगर वो अपने काम को अच्छे से कर पा रहे हैं दैट मीन्स कि दे आर हेल्दी ठीक है वो वो क्या सोचते थे कि अगर हम काम कर रहे हैं अपने डेली के वट एवर वर्क इज़ असाइन टू मी दैट आई एम डूइंग इट देन दैट मीन्स कि आई एम हेल्दी बट वॉट हैपन इन द मिडिल ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी अगर हम कह सकते हैं उससे पहले भी नाउ द मैन हैज़ रियलाइज्ड दैट इज़ वे ऑफ़ लिविंग एंड एन्वायॉयमेंट अराउंड हिम दे हैड अ बियरिंग ऑन हिज हेल्थ मीन्स कि अब जो भी लोग हैं जो भी लोग हैं वो समझ चुके हैं किस तरह हम रह रहे हैं द वे ऑफ लिविंग और जो भी इन्वायमेंट है हमारे आस पास का इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आर हेल्थ ठीक है उसका हमारा उसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा होता है एंड मैन हैज़ ऑल्सो रियलाइज दैट बाई कंट्रोलिंग दीज फैक्टर्स ही कुड प्रिवेंट सर्टन डिजीज़ और अगर हम इस ये जो वे ऑफ लिविंग है और अपने इन्वामेंट हमारे अराउंड का है अगर हम इनको अच्छे से रखें ठीक है तो वी कैन प्रिवेंट मैनी डिजीज सो वन ऑफ़ द मेन थिंग दैट मैन रियलाइज दैट A lot of diseases that could also be prevented by simple things. Man, what simple things? Now, man has realized that many diseases we can prevent by safe drinking water, by good sewage system, by personal hygiene, by keeping our surroundings neat and clean, hygienic. So, uh, now the uh, man has realized this. Now, it is very important that all of us be aware of the things that affect our health. ओके okay, यही सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना अ हेल्थ इज जनरली मीन्स फ्री फ्रॉम इलनेस डिजीज इंजरी और पेन लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस सो दिस इज द जर्नल टर्म वी कंसिडर हेल्थ हेल्थ को हेल्थ को हम क्या सोचते हैं हेल्थ के बारे में कि इफ वी आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज और वी आर फ्री फ्राम एनी फिजिकल स्ट्रेस फिजिकल फिटनेस ओके वी आर हैविंग द फिज़िकल फिटनेस दैट मीन्स की वी आर हेल्थी नाउ जो डब्ल्यू एच ओ है दैट इज़ योर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे ऑल्सो डिफाइन द हेल्थ एज फॉलोज दैट इज हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल मेंटल एंड शोशल वेलमी ये डब्ल्यू एच ओ की तरफ से गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग द हेल्थ कि अगर हम हेल्थ बोल रहे हैं इफ़ अ परसन इज़ हेल्दी हम अगर कह रहे हैं दैट मीन्स कि ही शुड फॉलो दीज क्राइटेरिया वो इन इन क्राइट क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल कर रहा है क्या चीज़ फिज़िकल मेंटल एंड शोशल वेलबींग सो इफ दैट इज़ कम दैट इज़ देअर एंड इफ अ पर्सन इज़ फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेल देन डैट पर्सन इज़ कंसिडर्ड एज हेल्दी ना इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पे फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग well से क्या मतलब है Okay, health is a state of physical, mental, and social well being. The conditions necessary for good health are good physical and social environment, good economic conditions, social equality, and harmony. So, ये जो हमने अभी तीन वर्ड्स बोले दैट इज़ योर फिज़िकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग नाउ फिजिकली अगर हम बात करें दैट मींस की अगर हम uh, जो है गुड सैनिटेशन या गुड प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर यूज कर रहे हैं हाइजीनिक फूड यूज कर रहे हैं दैट मींस कि वी आर हैविंग गुड फिज़िकल हेल्थ ओके सोशल इन्वामेंट मीन्स कि हम अपने इन्वायरमेंट जो भी हमारे आस का इन्वायरमेंट है उसको हम नीट एंड क्लीन रख रहे हैं सोशल वेलबींग ठीक है वेल आ, हम नी, नीट एंड क्लीन रख रहे हैं दूसरा हमारे जो भी नेबर्स हैं उनसे अगर रिलेशन बहुत अच्छे हैं ये भी इफेक्ट करता है ओके दिस इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया ऑफ जजिंग अ दैट अ पर्सन वेदर अ पर्सन इज़ हेल्दी और नॉट ठीक है अगर हम सबसे झगड़ा कर रहे हैं इफ इफ वी आर नॉट कीपिंग आर रिलेशन्स हेल्दी विद आर नेबर्स विद आर फ्रेंड्स विद आर रिलेटिव दैट मीन्स की वी आर नॉट हेल्दी वी आर सोशली अनफिट हम अनफिट हैं वी आर नॉट हेल्दी वी आर लैकिंग इन सम ऑफ द थिंग ओके देन अगर हम मेंटल uh, की बात करें दैट मीन्स की वी आर वी हैव कंट्रोल ऑन आर इमोशंस दैन ऑल्सो इफ वी वी हैव कंट्रोल देन ऑल्सो वी विल से कि हम हेल्दी हैं ओके गुड इकोनॉमिक कंडीशंस इंक्लूड्स योर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल मीन्स अगर इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं है देट मीन्स की वी आर मेंटली स्ट्रेस्ड इट विल अफेक्ट आर मेंटल स्टेटस अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है ठीक है अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि वी फुलफ़िल आर नीड्स दैन ऑल्सो वी आर नॉट हेल्दी ओके सो सोशल इक्वालिटी हार्मनी गुड इकोनॉमिक कंडीशन गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट ये सभी क्राइटेरियाज हैं जो कि एक हेल्दी स्टेट को डिफाइन करते हैं ओके नाउ, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस और फैक्टर्स टू अचीव अ गुड हेल्थ ठीक है किस तरह हम गुड हेल्थ को अचीव कर सकते हैं नाउ द फर्स्ट फिगर यू कैन सी दैट इज़ द डाइट बैलेंस डाइट द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन टू बी हेल्दी ओके बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन ठीक है करेक्ट प्रोपोर्शन। दैट मींस न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं योर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिंस एंड मिनरल ये सब कुछ हमारी डाइट में होना चाहिए अगर इसमें से एक भी चीज़ मिसिंग होगी देन वॉट वॉट विल हैपन वी विल हैव डेफिशियंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिय एंड वी आर गोइंग टू सफर फ्रॉम दैट डिफिशियंसी डिजीज ओके सो द फर्स्ट थिंग इज अ नाओ नेक्स्ट इज दैट कीपिंग योर सेल्फ हाइजीन hygienic that is personal hygiene as you can see ki regular washing bathing okay then wearing neat and clean coat, clothes this is also one of the uh, one of the factor in uh, to achieve good health now next is uh, then ha then cleaning your surrounding also comes in hygienic condition all, uh, only clean taking clean food and water clean air that means the atmosphere should not be polluted we should not allow garbage to collect okay then next is your exercise and relaxation now as you all know ke, uh, regular exercise keeps us fit that everybody knows okay ना पीपल हु एक्सरसाइज रेगुलरली दे आर लेस प्रोन टू हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स ऑल्सो ठीक है जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उस उसमें भी क्या होता है कि आ, आ, उनको जल्दी बीमारी नहीं होती है सो एक्सरसाइज इज वन ऑफ द फैक्टर विच कीप आर बॉडी वेट एंडर कंट्रोल एंड ऑल्सो कीप आर सेल्फ फिट

ओके नाउ और क्या हो सकता है एडिक्शंस वी शुड नॉट बी एडिक्टेड एडिक्शन नहीं होना चाहिए लाइक हैबिट ऑफ स्मोकिंग ड्रिंकिंग टेकिंग ड्रग्स वी शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स बिकॉज इफ वी विल बी इन्वॉल्व इंडल्ज इन ऑल दीज थिंग्स देन डेफिनेटली वी विल बी हैविंग सम हेल्थ प्रॉब्लम्स ओके सो ना दिस इज

सो so, क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं फ्री फ्रॉम सिकनेस एंड डिजीज फ्री फ्राम अननेसरी एनजाइटी फ्री फ्रॉम सोशल एंड फिजियोलॉजिकल टेंशन सेल्फ कॉन्फिडेंस फीलिंग जॉय इन लिविंग एबिलिटी टू वर्क एफिशेंटली एंड एट इट्स बेट तो अगर ये सब चीज़ें हैं कि दैट मीन्स वी आर कीपिंग गुड हेल्थ हम हर चीज़ों को बहुत टेंशन से नहीं करते हैं बहुत लाइटली ईजी वे में चीज़ों को करना कीपिंग गुड रिलेशन्स विद योर फ्रेंड्स फैमिली नेबर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ये भी एक है कि इफ़ यू आर मतलब यू डजेंट गेट नर्वस एवरी टाइम ओके देन ऑल्सो दैट मीन्स कि यू आर नॉट हेल्दी सो दीज आर द थिंग्स कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था अबाउट द चैप्टर ओके So this is all students. Thank you everybody.